यूपी स्कॉलरशिप 2019 के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो छात्रवृत्ति है वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद की जा रही है। क्या है पूरी खबर, इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि छात्रवृत्ति मिलने की प्रक्रिया में एक बड़ा फेरबदल किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। इसके अलावा बीएड के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है वो बंद की जाएगी। क्या है पूरी खबर, इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक तथा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, स्कॉलरशिप से संबंधित और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि स्कॉलरशिप से जुड़ी जो भी जानकारी हो वो आपको लगातार यहाँ से मिलती रहे। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भारत सरकार कई बदलाव करने जा रही है। लगभग तय हो चुका है कि नर्सिंग सहित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग पाठ्यक्रम और इसके अलावा जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पर आपकी जो छात्रवृत्ति है वो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बंद की जाएगी। इसके साथ ही बीएड में भी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीएड का यहाँ पर साफ साफ जिक्र किया गया है। बीएड में यहाँ पर एक परसेंटेज निर्धारित की जाएगी, जो कि यहाँ पर बहुत जल्द ही आपको न्यूज़ के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस परसेंटेज के स्टूडेंट को यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाएगी। जैसा कि आपको पता है बीएड में आपका जो एडमिशन है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर होता है, तो आपको जो छात्रवृत्ति है वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस के आधार पर मिलेगी, यानी कि उस मार्क्स से कट ऑफ के आधार पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, नर्सिंग कोर्स की फीस भरपाई और छात्रवृत्ति खत्म। यूपी सरकार के अधिकारियों, केंद्र सरकार की समाज कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव कल्पलानी सरकार के बीच सोमवार देर शाम हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। बैठक में तय किया गया कि एससी एसटी के विद्यार्थियों को नर्सिंग के कोर्स के लिए दी जाने वाली फीस भरपाई और छात्रवृत्ति खत्म की जाएगी। इसके साथ ही बीएड के कोर्स के लिए फीस भरपाई और छात्रवृत्ति के लिए अंकों की अनिवार्यता लागू की जाएगी। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि मार्क्स की जो अनिवार्यता है वो लागू की जाएगी। आपके जो कट ऑफ होगी यहाँ पर, उस कट ऑफ के बेस पर ही आपको जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज के लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्कॉलरशिप से जुड़ी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।